हाँ जी, स्वागत है जी आपका हिंदी एयर ब्रेक इंस्पेक्शन में। आज हम इंस्पेक्शन करेंगे एयर ब्रेक की, ट्रैक्टर और ट्रेलर की। सबसे पहले हमने जो येलो और रेड बटन है उसको बाहर निकालना है। उसके बाद जो व्हील्स हैं उनको ब्लॉक करना है। सबसे पहले हमें देखना है कि हमारा एयर प्रेशर 90 PSI से ज़्यादा है। अगर नहीं ज़्यादा ट्रक स्टार्ट करेंगे, बट हमारा अभी प्रेशर 90 PSI से ज़्यादा है तो हम रेडी हैं एयर ब्रेक इंस्पेक्शन स्टार्ट करने के लिए। सबसे पहले जो टेस्ट है उसको बोलते हैं ट्रैक्टर प्रोटेक्शन सिस्टम। तो उसको चेक करने के लिए हमें ट्रक ऑफ करना है और की ऑन पोजीशन में लेके जानी है। उसके बाद हमने रेड बटन को इन करना है। जो रेड बटन है 60-40 PSI और ज़्यादा से बाहर आएगा और हमें एयर लाइंस डिस्कनेक्ट करनी है बाहर जाके। तो पहले ब्लू एयर लाइन डिस्कनेक्ट कर दो, फिर उसके बाद रेड एयर लाइन डिस्कनेक्ट करनी है। रेड एयर लाइन डिस्कनेक्ट करने से पहले मेक श्योर करो कि इसमें एयर प्रेशर होगा, तो बहुत ही ध्यान से करनी है। तो उनको कैटवॉक पे रख देना। हमें अंदर आके देखना है कि जो रेड बटन है वो पॉप आउट करेगा। जो रेड बटन है वो पॉप आउट करेगा 60-40 PSI। तो जब वेट करनी है रेड बटन पॉप आउट होने की। ओके, हमारा भी रेड बटन पॉप आउट हो गया। तो हमें क्या करना है, ट्रेलर सर्विस ब्रेक लगानी है और सुनना है कि कोई लीक तो नहीं है ब्लू लाइन में। अगर कोई लीक नहीं है तो इसका मतलब जो ट्रैक्टर प्रोटेक्शन सिस्टम है वो सही काम कर रहा है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा पार्क कंट्रोल वाल्व। पार्क कंट्रोल वाल्व को चेक करने के लिए हमें उसको अंदर करना है। अंदर करके ये बाहर आएगा 20-45 PSI। वो बाहर आने के लिए हमें फुट ब्रेक्स को फैन करना है और हम देख रहे हैं कि लो एयर प्रेशर वार्निंग 60 PSI पे आ गई। जो साइन बना है लाइट ऑन होगी और साइन आ गया। तो हमें बस फुट को फैन करते रहना, बार 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 दबाना है। तो हमें दबाने के लिए हम देखेंगे कि येलो बटन है वो बाहर आ जाएगा। ओके जी, हमारा येलो बटन बाहर आ गया। इसका मतलब है कि येलो बटन और पार्क कंट्रोल वाल्व हमारा काम कर रहा है। उसके बाद हमने बाहर जाना है। बाहर जाके दोबारा एयरलाइंस को कनेक्ट करना है। बहुत ही ध्यान से कनेक्ट करना है कि जो सील है वो पिंच ना करे। अच्छे से कनेक्ट करके हमें अंदर आना है। अंदर आके हमने टेस्ट करना है कंप्रेसर बिल्डअप टाइम। वो करने के लिए हमें ट्रक को स्टार्ट करना है और हमें गेजेस को देखना है। जो टेस्ट है हमारा करना है 50-90 PSI एट 1200 RPM। तो देखना जो प्रेशर है 50-90 PSI विद इन 3 मिनट्स को जाना चाहिए। जब भी 50 पे आएगा हम टाइम नोट करना शुरू कर देंगे। अभी देख लो 50 PSI पे आ गया और टाइम 18:04 है। तो हमने भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया। हमारी गेजेस ऊपर जा रही हैं। जब 60 PSI क्रॉस कर गई, अभी लो प्रेशर वार्निंग वो चले गई, तो हमें 90 PSI तक टाइम नोट करना है। अभी 90 PSI आ गया और उसने जो किया है वो विद इन 1 मिनट कर दिया। तो हमारा जो कंप्रेसर है वो सही काम कर रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, गवर्नर कटआउट चेक करना है। जो गवर्नर कटआउट है वो 120-135 PSI पे कटआउट करेगा और हमें स्नीज की आवाज़ आएगी। जो RPM है उनको 1200 RPM पे रखना है, उनको छोड़ना नहीं है। तो जब भी वो 120-135 PSI के बीच में जाएगा हमें छिक की आवाज़ आएगी। ओके जी, अभी गवर्नर कटआउट कर गया। हमारा गवर्नर कटआउट काम कर रहा है। अभी करना है गवर्नर कट इन। उसके लिए हमें दोनों येलो भी दबानी है
और रेड भी दबानी है और फिर देखना है कि प्रेशर कितना ड्रॉप हुआ। 20-25 PSI जब ड्रॉप होगा तो गवर्नर कट इन काम करेगा। हमें हल्के से ब्रेक दबानी है। अभी प्रेशर हमारा 95 ऑलमोस्ट 90 PSI आ गया तो हमें फिर गैस दबानी है 1200 RPM लेके जानी है और देखना है कि गेज ऊपर जा रही है नहीं जा रही। अभी देखो कि गेज ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कि गवर्नर कट इन अच्छे से काम कर रहा है। तो हमें फिर दोबारा गवर्नर कट आउट करना है 120-135 PSI, हमें पूरा प्रेशर फिर बनाना है। हम वेट करेंगे जब स्नीज हो जाएगी। अभी स्नीज हो गई, अभी हमें करना है सर्विस लीक टेस्ट। उसके लिए हमें येलो रेड इन्नी रखनी है, ट्रक को ऑफ करना है और की को ऑन पोजीशन पे लेके जाना है। जब की ऑन पोजीशन पे ले गई तो हमें जो ब्रेक है उसको 2 मिनट के लिए दबाना है। पहले दबाओगे प्रेशर थोड़ा ड्रॉप होगा, उसको स्टेबलाइज करना है और फिर उसको मॉनिटर करना है। तो हमें 2 मिनट का टाइम लगाना है। अभी 1807 हुई है तो हमें अलाउड है 6 PSI, 4 ट्रैक्टर की लीक अलाउड है और 2 ट्रेलर की अलाउड है। तो हमने टाइम मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अभी 1809 हो गए, इसका मतलब है कि हमें कोई लीक नहीं आई और हमारा प्रेशर सही है। तो हमें अभी की करना है स्लैक एडजस्टर। इस ट्रक में ऑटोमेटिक स्लैक एडजस्टर है, हमें स्लैक एडजस्टर एडजस्ट करनी है। एडजस्ट करने का क्या तरीका है, हमें 2 बार फुट ब्रेक को दबाना है 2 सेकंड्स के लिए। पहले दबाना है, 2 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर छोड़ना है और फिर दबाना है और 2 सेकंड होल्ड करके फिर उसको छोड़ना है। तो हमारे जो ऑटोमेटिक स्लैक एडजस्टर हैं अभी एडजस्ट हो गए। अभी हमें येलो और रेड को बाहर निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। बाहर निकाल के हमें व्हील ब्लॉक्स को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद जो व्हील ब्लॉक्स हैं उसको साइड पे रख देना। साइड में रख के हमें दोबारा ट्रक में अंदर जाना है, ट्रक को स्टार्ट करना है और गियर में डालना है। यूजुअली फर्स्ट गियर में डालो, सेकंड गियर में डालो, डजंट मैटर। तो बोथ दोनों को अंदर करना है, येलो रेड को, और हमें ट्रक को अराउंड 6 फीट आगे लेके जाना है। फिर हमें फुट ब्रेक दबानी है। तो हम नोट करना है कि ट्रक ट्रेलर दोनों रुक गए। उसके बाद फिर ट्रक को आगे लेके जाना है और जो ट्रेलर वाली ब्रेक है वो दबानी है। फुट ब्रेक नहीं दबानी, सिर्फ ट्रेलर ब्रेक दबानी है। तो हमें देखना है कि ट्रक रुक गया। यहाँ हमारी एयर ब्रेक इंस्पेक्शन कंप्लीट है। बहुत आपका धन्यवाद देखने के लिए।